भाई दास भाई, मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओ आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ आप मेरे घर पे आइएगा, मेरी पत्नी को देखिएगा, एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है? सफेद भूतनी? नहीं भाई, चांस तो नहीं लगा कभी। हाँ मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई, मेरी पापी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब, मैंने कान और फ्यूज उड़ा हुआ है, वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई, क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ अच्छा कि आप दोनों ने, ऐसे ही मारना चाहिए, देखते हुए मेरे जैसे शरी पति को सटाएंगे नहीं। हाँ हाँ, वैसे आपकी पत्नी यहाँ आने वाली नहीं। वो तो शॉपिंग के लिए गई है, पर डोंट वरी, हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना, लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब अरे बंदा नहीं सही, बंदा ठीक है, धंधा खराब है। क्या यार, क्या है, दिखता नहीं है क्या है? अरे धक्का मारा, चला नहीं आता का? अरे वॉकिंग ट्रेनिंग या वॉकिंग क्लास लिया कि नहीं? गिलास? अरे साइड वाला दिमाग तो खराब नहीं है, मैं बेवड़ा थोड़ी है। गिलास थोड़ा हाथ में लेगा, जब पट्टी में जाएगा, पट्टी में जाएगा तू चलेगा, पट्टी में चलेगा साई, चलेगा मेरे साथ। यार कौन है, कौन है? अरे पापा जान नहीं, आई मूल चंद चेलर बड़ी है। बट यू? अरे चेला केला सरोइए, थपड़ा देगा गड़बड़े कान में। क्या बोला? किधर में गड़बड़ा है मेरे को? क्या बोला? कान में, कान में, कान में बोला। अंजलि भाभी, अरे पापा तुम यहाँ पढ़ कैसे? तुम तो झोड़ो बजाने वाली थी ना, पर यहाँ कैसे? एक मिनट, एक मिनट, आप प्लीज मेरे हस्बैंड को मत बताएगा मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, प्लीज। हाँ अरे कैसे बताएगा, वो होगा तो बताएगा ना। तो क्या यूरोप टिकट तो मैं निकाल के दिया ना, राज मल्होत्रा के नाम से। हेलो अंकल, कैसा हुआ? देखिए आपने, स्टूपिड अंकल, मैंने आपको बोला था ना आदमी बदमाश है, बोला था ना? तुम्हारा पीछे तुम्हारा जासूसी तो नहीं करने गया? अरे कर भी रहा हो, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए, मैं तो यहीं पे हूँ ना। अरे कैसा आएगा, रंगीन तबीयत का जो है, अंग्रेजी मैम, गोरियां, आजादी, ऐसा मौका कोई छोड़ता है का? अरे अंकल ये तो और भी अच्छी बात है, पूछे क्यों? अच्छा अंजलि वहीं पर है, मैं अभी उसको फोन लगाती हूँ, वो ले आएगी अपने लिए सबूत उसके खिलाफ। अंजलि, अंजलि बोल रही हूँ मैं। अरे कहाँ थी तू, कितने फोन किए मैंने यार। हाँ अंजलि। अच्छा जल्दी से मुझे ये बता, तेरे साथ टूर में राज मल्होत्रा नाम का कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है क्या? राज मल्होत्रा? हाँ साथ तो है। अरे यार वही तो मेरा हस्बैंड संजय है। क्या? हाँ और मुझे अभी अभी पता चला है कि वो नाम बदल के ट्रैवल कर रहा है।
हेलो अंजलि, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया था? वो तेरी बातें सुन के मुझे चक्कर आ गया था। चक्कर आ गया था क्यों? वो क्या है ना कि मुझे तेरे हस्बैंड से प्यार हो गया है। क्या बात कर रही है तू? मुझे पता था ये रास्कल ऐसी ही किसी वजह से वापस नहीं आया है। लेकिन तू इतनी शोर कैसे है कि वो ही तेरा हस्बैंड है? अरे आज ही हमारे ट्रैवल एजेंट ने मुझे बताया कि उसने राज मल्होत्रा के नाम से टिकट लिया है। क्या बात कर रही है, अब तो मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी उसके पास जाके उसको पूछूंगी कि शादीशुदा होते हुए उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। होल्ड ऑन, अभी ऐसा कुछ मत करना। क्यों? व्हाट? अगर तू उससे ये सब डिस्कस करेगी ना तो ही विल बिकम अलर्ट। मैं चाहती हूँ तू इस किस्से को आगे बढ़ाए ताकि बाद में ना मैं तुझे उसके खिलाफ कोर्ट में पेश करूंगी गवाह की तरह। ए, तू क्या बात कर रही है? आई कांट डू ऑल दैट। अंजलि देख, मुझे पता है ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो यार। तू ये नहीं चाहती कि हम दोनों मिलकर उसको सबक सिखाएं? हाँ, मैं कैसीनो से बोल रहा हूँ। मैंने उससे बात की है, वो मुझे मिलने आ रही है थोड़ी देर में। यार मैं जानता हूँ वो तेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। तू जो कहेगा वो वही करेगी। तू एक काम कर, आज रात तू उसे अकेले कमरे में बुला। आर यू मैड? मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे साथ इस बात को कितना आगे बढ़ाती है। तू क्या चाह रहा है यार? मैं अपनी दोस्त की वाइफ के साथ ऐसे बात बढ़ाने वाली बात कैसे कर सकता हूँ? तू पागल हो गया है? माय लाइफ इज इन मेस मैन। यही मौका है उसको एक्सपोज करने का। अगर आज रात वो अकेले तेरे कमरे में आ जाती है ना तो देख लेना, मैं उसे 100% डिवोर्स दे दूंगा। इस मौके को छोड़ना मत। ओके, आई विल डू दिस। कहीं उसने इस मौके का फायदा उठा लिया तो? क्या रे? सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी बीवी भी ऐसे मौके की तलाश में रहती है। शट अप। ओके, होटल के कैसीनो में वो मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा, मैं वही जा रही हूँ। अब वो तुझे पाने के लिए कुछ भी कर देगा। तू एक काम कर, उसे अकेले रूम में बुला। अंजलि, और फिर अगर उसने तेरे साथ रूम में अकेले में कोई ऐसी वैसी हरकत की मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। अंजलि प्लीज डू दिस फॉर मी यार, बाय। राज, यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे? वेल, तुमसे ये कहने के लिए कि आई लव यू। लगता है जैसे पर लगे हो। ओ अंजलि, मैं भी खड़े खड़े उड़ रहा हूँ। वाओ, कम लेट्स प्ले अ गेम। कम ऑन, अब तक तो हम एक दूसरे को आजमाते रहे लेकिन आज अपने आप को भी आजमा लें। ये खेल कब खत्म होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये खेल कब तक चलेगा। काफी बोर हो गया मैं इस खेल में। Let's stop it, man. Let's stop playing. वैसे भी जिस मशीन के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो उस मशीन के साथ खेलना नहीं चाहिए, अक्सर इंसान हार जाता है। Right. चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? जा तुम कहो। मेरे कमरे में? नहीं, मेरे कमरे में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ, दरवाजा भी खुला पड़ा है। हाय। पहली वाली की भी माँ है यार। क्या बात है, बड़ी सस सवर के लेटी हुई है। हाँ, आज तुम भी बड़े मूड में लग रहे हो। ऑफ कोर्स, मैं बड़े मूड में हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था कि मैं कब अपने दिल की भड़ास निकालूं। मिस्टर राज मल्होत्रा, मुझे भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब मैं इस दिल की आग बुझाऊंगी। यानी कि आग आपके दिल और जिस्म में बराबर की लगी हुई है और आप तड़प रही हैं अपने दिल की आग मेरे जिस्म के हवाले करने के लिए। मगर माफ कीजिएगा मैडम अंजलि, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं, इसलिए कि मेरा एक क्लास एक स्टेटस है। मैं तुम जैसी थर्ड ग्रेड लड़कियों का मुंह नहीं लगाता। व्हाट डू यू मीन? चिल्लाओ मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम नहायत ही फ्लर्ट फ्रॉड और थर्ड ग्रेड किस्म की गिरी हुई लड़की हो। ए, माइंड योर लैंग्वेज। मुझ पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले खुद की शक्ल आईने में देख। क्या हो गया मेरी शक्ल को? लोफर, आवारा, जंगली, सीधी साधी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाला कितना बड़ा कमीना है। मैं तो कहती हूँ कि तुम मर्द जात के नाम पे एक धब्बा हो। धब्बा तो क्या, धब्बा क्या हो? ओके, ऑलराइट, तुम जो चाहती थी वो मैंने नहीं किया तो तुम्हें बुरा लग गया। कूल डाउन, रिलैक्स। जब तुम्हारी चाल मुझ पर नहीं चली, जब तुम्हारी दाल मेरे साथ निकली तो बड़ी सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। हाँ, मैं सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही हूँ। खुद शादीशुदा होके दूसरी लड़की को देख के लात टपकाते फिरता है। हेलो, किसने कह दिया तुमसे कि मैं शादीशुदा हूँ? ओ, तुम्हारी खुद की बीवी ने। मेरी बीवी का पता हुआ यार? बहुत साल पहले। शट अप, खुद शादीशुदा होकर बकवास कर रही है मेरे बारे में। मैं शादीशुदा हूँ? वाओ, अब मैं शादीशुदा बन गई। बाय द वे, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ? तुम्हारे पति ने। ओ, अब मेरा पति भी हो गया। पैदा नहीं हो गया, he is there and I talk to him every day. Baby, don't try to make me fool. How dare you touch me? Yes, what can I do for you, sir? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अब जो करेगा हम करेगा, तुमको कुछ करने का जरूरत ना है। हेलो, हेलो अंजलि, जल्दी बता क्या हुआ?
जैसा तूने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ जल्दी बोल क्या हुआ। कुछ नहीं यार संजय, जैसा तूने सोचा था ना वैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल उसने ना सिक्योरिटी के दो आदमी मंगा रखे थे और उन दो आदमियों ने मुझे बड़ा मारा है यार। नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। दरअसल ना मेरे हिसाब से तेरी वाइफ बड़ी शरीफ औरत है यार। अच्छा तो शरीफ औरत है। हाँ ऐसा मेरा ख्याल है यार। तूने उसे रूम में बुलाया था और वो आया था? आया था। उसने तुझे कमरे में बुलाया था? हाँ। और तू कमरे में गया था? हाँ। और फिर वो तेरे साथ थोड़ी देर था? हाँ। और फिर वो अच्छा आदमी हो गया? उसके बाद वो शरीफ हो गई है। हाँ यार उसके बाद तो आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर। वो क्या है ज्यादा बात करने का चांस मिला नहीं, वो पुलिस ने मुंह तोड़ दिया था ना। हाँ तो बोलती बंद हो गई थी उसके बाद से। लेकिन एक बात बताऊं, वो बाकी सब झूठ बोल रही थी मगर लड़की बड़ी शरीफ औरत है यार। लेकिन संजय तेरा ऐसा पूछने का मतलब क्या है? मतलब ये है डार्लिंग, मेरे हस्बैंड में यही तो खूबी है, जिस लड़की के साथ वो थोड़ा सा वक्त बिता लेता है फिर वो लड़की उसी के गुनगाने लगती है। शेम ऑन यू अंजलि, शेम ऑन यू। यार संजय यार तेरे लिए मैंने अपना दो बार मुंह तुड़वाया, एक बार दिल तुड़वाया, तू मुझ पर शक कर रहा है यार? तेरा तो भगवान भी भला नहीं कर सकता हरामखोर। दिस इज हाइट राज मल्होत्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरा माइंड का शॉर्ट सर्किट हो गया है, ढूंढ़ा छुट गया दिमाग का। मुझे तो लगता है आपकी बीवी CIA की एजेंट है। एक ही रात में उसने राज मल्होत्रा को अपनी तरफ मिला लिया और आपको सर से पांव तक हिला दिया।